गांव में हूँ और लोकसभा चुनाव का 25 मई को चुनाव होने वाला है। बसपा के प्रत्याशी श्री कला धनंजय सिंह बनाई गई हैं और सपा से बाबूराम कुशवाहा बनाए गए हैं, भाजपा से कृपा शंकर सिंह बनाए गए हैं। अब यहाँ की जनता की क्या है माहौल, किस तरीके से किस प्रत्याशी को देखते हैं, जानने का प्रयास करता हूँ। यहाँ गांव की महिलाएं हैं और सीनियर पर्सन भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? धर्मराज। धर्मराज जी, चुनाव नज़दीक आ गया है, 25 मई को यहाँ वोट पड़ना है, क्या लगता है किस प्रत्याशी को आप लोग देखते हैं या किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? मायावती को वोट देंगे। तो मायावती के प्रत्याशी यहाँ श्री कला बनाई गए हैं, वो ठीक ठाक हैं कि नहीं? ठीक है। भाजपा को क्यों नहीं देंगे? क्या कुछ देव न्याय करते हैं? कहीं मतलब मायावती को छप्पड़ एकदम पूरा जात बा कुल घर द्वारे कोनो ख्याल नहीं हो, तो भी ख्याल हो। अभी गांव की महिलाएं सब मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करूंगा। का नाम हो चाची? तार तार का नाम बतावा आज का नाम? हमारा नाम आरती हो। आरती, तो यहां तीन प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए उतरा हैं, देखिए भाजपा से कृपा शंकर सिंह और बसपा से श्री कला और सपा से बाबूराम कुशवाहा। तो के वोट के प्रत्याशी देबू के अच्छा लागत, के वोट देबू? अपने पार्टी के। कौन पार्टी हो तुहार? मायावती। मायावती पार्टी हो? हाँ। काहे के मोदी जी राशन गेहूँ चावल देते हैं, काहे नहीं देबू? यह गेहूँ चावल दे पेट जियावत है, और कैसे आगे का है, महंगाई इतनी बड़ी भी है, कैसे चले? क्या नाम है आपका? लल्ली। लल्ली नाम। लल्ली, ये बताइए किसको वोट दे रही हैं आप लोग? हमारा जहां मन कहेगा वहीं हम लोग वोट दें। कौन नेता अच्छा लगता है? हाँ। नेता मोदी जी अच्छे लगते हैं? नहीं, हम लोग मोदी को देंगे, दूसरे को दोगे? मायावती जी अच्छी लगती है? अपने अब सब अपनी पार्टी में जा रहा है, तो हम लोग भी अपनी पार्टी में जाएंगे। आपकी कौन सी पार्टी है? हमारी पार्टी है मायावती में। अच्छा, हाथी आपका चुनाव चिन्ह है? हाँ, हम लोग हाथी है चुनाव चिन्ह। हाँ, तो ये बताइए तुम हाथी वोट देंगे आप लोग जी? क्या नाम है चाची आपका? कमला। कमला, नाम तो बड़ा सुंदर है, भगवान बड़े अच्छे से माता पिता आपके नाम रखे होंगे, तो के वोट देबू? जहाँ संसार दे वहीं हमहु दे। कहाँ संसार? कौन संसार, तो बहुत बड़ा है। आए हमार पब्लिक या खुद ही खड़े हैं। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में आप लोग, क्योंकि महिलाएं ही सरकार बनाती हैं बिगाड़ती हैं? हम लोग मायावती को वोट देंगे। मायावती के पार्टी से श्री कला चुनाव लड़ रही धनंजय सिंह, आपको जानकारी? हाँ हाँ, श्री कला को हम लोग वोट देंगे। कैसे नेता? अच्छी नेता है। हाँ, वो हम लोग को बहुत अच्छी है, हम लोग उन्हीं के देंगे वोट। क्यों कृपा शंकर क्यों वोट नहीं देंगे जो भाजपा से हैं? हम लोग उन्हीं के देंगे वोट, मायावती के अपने होता है। आपका क्या नाम है? आरती। आरती जी, क्या लगता है इस बार चुनाव 25 तारीख को है, 25 मई को वोट, किस पार्टी के आप लोग पसंद करते हैं? मायावती के हम सब वोट दे भाई। मायावती? हाँ, मायावती के। वो तो चुनाव प्रचार भी नहीं कर रही हैं। प्रचार करें चाहे जिन करें, हम सब मायावती दे, मायावती के बहन जी हम सब नहीं वोट दे भाई। बहन जी तो प्रत्याशी बनाई है धनंजय सिंह की पत्नी। हाँ, बस उन्हें हम सब देव हाथी वोट देव हम सब। धनंजय जी सबसे अच्छे हैं। आते हैं नहीं धनंजय? हाँ, सबसे बढ़िया है, वो सबसे अच्छे हैं, हम लोग उन्हें वोट देंगे। धनंजय जी उनके पत्नी भी सब वो अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। हाँ, सब। कभी मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात जो जाते हैं उनसे होती है, हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग से नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं? नहीं मुलाकात होते कहाँ, मायावती जो जौनपुर के नेता कृपा शंकर सिंह बनाए गए यहीं आपके लोकल के? नहीं आए हैं यहाँ, वो तो कभी यहाँ नहीं आए। अभी नहीं आए? नहीं। तो इस बार आप लोग अपने पार्टी में जा रहे हैं? हाँ, हम लोग हर बार जाते हैं। हम लोग हर बार अपने पार्टी में जाते हैं, हर बार जाते हैं। हम लोग। क्या नाम है चाची आपका? पुष्पा। पुष्पा, ये बताइए क्या लगता है इस बार? इस बार अपने माँ बहन जी मायावती को वोट दे। मायावती जी को? मायावती जी का तो सरकार भी नहीं है कुछ ना रहा, कुछ भी रहा सब अपने पार्टी में जाते, ना अपने पार्टी में जा। कौन सब जा रहा है? जैसे बाभन ठाकुर, जहाँ बाटन लाला सब अपन चुना था, नमह चुना।
लेकिन भाजपा की सरकार है, आपको तेल मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब क्यों? 5 किलो एक महीने चला था जिकर चाठी परिवहन है, वही मोदी दे दिया था, वही से बीते था, कहाँ तेल मिला था, कहाँ काम मिला था, नहीं मिलते तेल, नहीं मिलते, मिलता लाल कार्ड वालों को तो मिलता है, नहीं नहीं मिलते, खाली गेहूँ चावल मिला, तीसरा महीना चीनी मिला, हाँ तीसरा महीना चीनी मिलता है, वो पैसा लगा था ना, 3 महीने क्या लगता है इस बार आपको, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या हम लोग को कुछ नहीं, आप लोग जा रहे हैं बहन जी की तरफ? हाँ हम लोग हमेशा गए हैं बहन जी की तरफ, अभी यह गांव की महिलाएं हैं, इनका ये राय है, अब इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? माला। माला जी क्या लगता है इस बार, क्योंकि घर की मुखिया तो औरत ही होती हैं? औरतें ही वोट देती हैं, औरत भी तो, जैसे औरत जहाँ कहते हैं पति वहाँ सुन लेते हैं, ऐसे अक्सर मैं देखता हूँ, पति है ये नहीं है इस समय, वहाँ दिल्ली है तो नहीं है, तो कुछ तो मूड विचार बनाई होंगी किस तरफ जाना है, जाना कहाँ है, अपनी पार्टी में जाएंगे, अपनी पार्टी में, तो आपकी पार्टी से कौन प्रत्याशी बनाया गया मालूम ही नहीं? धनंजय सिंह की पत्नी बनाई गई, कल अभी कल ही टिकट मिला है उनको, सबसे बढ़िया है वो, ठाकुर भले हैं लेकिन सबसे, क्या कह रही हो, ठाकुर है ना धनंजय सिंह, लेकिन वो सबसे अच्छा है, सबको सुनने वाला है, सबको सुनते हैं, सबको सुनते हैं, क्या कह रहे हैं आप, गरीब लोग को ज्यादा सुनते हैं, गरीब लोग ज्यादा सुनते हैं। अभी मेरे बीच में एक चाचा है, उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम सुरेश है। क्या लगता है चाचा इस बार चुनाव का माहौल क्या है, किस तरीके से? माहौल के बारे में मुझे नहीं मालूम है भैया, हम जहां वोट दे थे उसी पर वोट देता रहता हूं। कहां वोट देते हैं? हम तो हाथीप देते हैं। हाथीप देते हैं, हाँ। तो इस बार हाथी से प्रत्याशी कौन बनाया गया, जानकारी है नहीं आपको? अभी तो नहीं जानकारी है, अभी अभी सुना हूँ। क्या नाम सुने? यही सिद्धि काला जी भाई हैं। तो इस बार उनकी तरफ जा रहे हैं आप? उनके तरफ नहीं, हम तो हरदम है, जब से हमारी पार्टी है इस भारत में तब से है। मतलब आपके पार्टी से कोई भी प्रत्याशी बना जाए उसके तरफ हैं? उसके तरफ हैं, उसके तरफ है, चाहे जो बने कोई भी खड़ा होगा हमारे निशान से हम उसी को वोट देंगे, उसी की तरफ खड़े, चाहे वो हारे और चाहे जीते। जी क्या नाम है चाचा आपका? बेचैन। बेचैन, तो क्या लगता है चाचा इस बार चुनाव तो काफ़ी एकदम गमगीन हो गया है, लोग अपना प्रत्याशी जो टिकट पाए हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि वोट आप लोग देंगे? वोट तो हम लोग बसपा को देते हैं, बसपा को देते हैं, लेकिन बसपा से आपके सांसद रहे श्याम सिंह यादव कभी दिखे नहीं? कभी नहीं आए, तो हो सकता है ये भी जीते ना दिखे, कोई बात नहीं है, अपना तो सब देखेंगे। तो आप लोग उसी को वोट देते हैं अपनी पार्टी? हाँ। भाजपा क्यों नहीं है? भाजपा क्यों नहीं? भाजपा को अगर देंगे भी हम लोग तो भाजपा जो है ब्राह्मण लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ कि हमको दिए हैं वोट, हमको दिए, भाई सब अपनी पार्टी देख रहे हैं तो हम भी अपनी पार्टी देख रहे हैं। आपकी पार्टी बसपा? बसपा। सपा नहीं है? नहीं। भाजपा भी नहीं है? नहीं। अभी मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? सर रानू गौतम नाम है मेरा। रानू गौतम जी ये बताइए क्या माहौल है इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर, इसमें जो है अभी श्री कला जी के आने से माहौल एकदम सरगर्मी में हो गया है, समझ लीजिए अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा था, लेकिन जब से ये पता चला है कि श्री कला जी को मिल गया बसपा टिकट ना, तो ये समझ लीजिए पूरे जौनपुर में तहलका मच गया है। इतने बड़े नेता गृह राज्य मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्यों नहीं देख रहे हैं भाई? कैसे देखें बताइए ना, अभी धनंजय सिंह से इतना डर था इनको पहले से ही कि चुनाव आते ही उनको जेल में अंदर करवा दिया गया ताकि जो है हम चुनाव आसानी से जीत सकें, तो भैया ये होने वाला नहीं है। ठीक है, बहन जी ने उनको टिकट दिया है श्रीकला जी को, तो हम लोग भैया वैसे भी उनको सपोर्ट करते, ठीक है, धनंजय सिंह को हम लोग, अगर इस बार अगर इनको श्याम सिंह जी को टिकट मिलता तो हम लोग धनंजय को सपोर्ट करते, क्योंकि श्याम सिंह को कोई पसंद नहीं करता, जब से जीते हैं कभी दिखे नहीं। और सपा की रही बात, तो सपा को तो हम लोग यूँ नहीं पसंद करेंगे कि अभी आपको बताएं मेरे ही गांव का मामला है, 50 डिसमिल खेत उनको आवंटन कटा हुआ है बहन जी के सरकार के, बहन जी की सरकार थी तब से 50 डिसमिल खेत मिला उनको, ज़मीन मिली बोने के लिए, और सपा गवर्नमेंट जब आई तो वो सारी ज़मीनें हमारे यहाँ के यादव हैं, ठीक है, दबंग टाइप में है, तो उन्होंने कब्जा कर रखा है, और तब से ये फाइल लगा के
पड़ा हुआ तहसील बदलापुर में आज तक ले उसका क्लियर नहीं हो पाया। भाजपा सरकार है इसमें तो सबके सब जनाब पागल ही हुए हैं, इसलिए भैया सबसे बढ़िया है कि बसपा सरकार। बसपा का तो ना केंद्र में है ना राज्य में है, सही क्या लगता है? सही बात है, केंद्र में नहीं है, राज्य में नहीं है। और इस बार भी हम आपको बताएं, कोई जितने नेता है ना, कोई ईवीएम पे अभी तक बोल नहीं रहा है ना, लेकिन देख लीजिएगा यही जब चुनाव हारेंगे सब लोग फिर चिल्लाएंगे भैया ईवीएम घोटाला हो गया, और इस बार भी ईवीएम घोटाला होगा। और मोदी जी में इतनी ताकत हो तो ईवीएम बंद करवा के देख लें, इस बार चुनाव तुरंत हार जाएंगे आप। मोदी जी में इतनी ताकत हो कि ईवीएम बंद करके तब कैसे वोट कराएं? तब चुनाव लड़े ना, बैलेट पेपर से लड़े, उनकी अपनी ताकत समझ में आ जाएगी, एक ही बार में उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। उनकी ताकत उनके अंदर नहीं है, सारी ताकत उनका ईवीएम मशीन के अंदर है। जैसे पहले के लोग हुआ करते थे, हमारे पूर्वज कहा करते थे, कहानी बताते थे कि फला राजा फला डाइन की जो है जीव जो है फला चिड़िया में होती है, उसी तरह मोदी का जो प्राण है जान है ना वो ईवीएम में बंद है। ईवीएम जहाँ टूटा तहाँ उनका जान निकल जाएगा, ये जान लीजिए। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं सत्यता बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मोदी जी से नाराजगी है आपके? मोदी जी से नाराजगी नहीं है, उनके जो कार्यकाल में जो ये काम हो रहा है इससे नाराजगी है भाई। हम लोगों की फसल जितने हैं कोई बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है, एक फसल नहीं बच पा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो थाने पे जाओ पहले पैसा लेके जाओ। अभी हमारे गांव में एक मसला हुआ था, हमारे ही घर से मेरे पड़ोस से मारपीट हो गई थी, हम लोग थाने पे गए FIR लिखाने के लिए, भैया पहले पैसा लेके आओ, FIR ही नहीं नोट हो पा रहा है। सरकार में भ्रष्टाचार कम होगा, कैसे आरोप लगाने में भ्रष्टाचार बढ़ गया? नहीं कम हुआ है भाई साहब, आप उठा के देख लीजिए ना, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप तो हर जगह घूम रहे हैं, देखिए ना, नहीं कम हुआ है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हाँ भ्रष्टाचार कम हुआ था तो बस एक ही सरकार में, बहन जी की सरकार में। अब गाँव की दुल्हन, अब एक दुल्हन ही होंगी, क्या लगता है भ्रष्टाचार है? हाँ भ्रष्टाचार बहुत है। कैसे है आपको लगता है? भाई साहब कह रहे थाने गए मुकदमा लिखवाने तो पैसा लग रहा है। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, पैसा लग, जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ जिसके पास पैसा है वही उसका सुनवाई होता है, जिसका पैसा नहीं है उसको नहीं सुनवाई होता है। तो इस बार आप लोग अपने पार्टी में जा रहे हैं? हम लोग हर बार जाते हैं अपने पार्टी में, बहन जी हमारी जीते या ना जीते हम लोग हर बार जाते हैं। हर बार आप भी जाते हैं? हर बार हम सपोर्ट देते हैं मायावती बहन जी के। तो ये देखिए गांव की महिलाएं हैं, अपना अपना राय रख रही हैं, भाई साहब से बातचीत। भैया श्री कला धनंजय जिंदाबाद है एकदम, सब लोग बोल दीजिए एक बार, बहन जी जिंदाबाद, श्री कला धनंजय जिंदाबाद, श्री कला को जिता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम जिता रहे हैं भैया हम लोग। हाँ एकदम, ऐसा ना हो कि जैसे श्याम सिंह सांसद चुनाव जीते गायब हो गए थे, वैसे ये भी ना हो गायब हो जाए, ऐसा नहीं है भैया। चूंकि हम लोग धनंजय सिंह जी को देख चुके हैं, मेरे गांव में जितना नल लगा हुआ है अभी तक एकाग नल होगा जो अपने पास से लगाया गया होगा, बाकी टोटल नल जितने बोरिंग हुए हैं जितने नल लगे सब टोटल धनंजय सिंह के खाते की है। हाँ इसलिए आप लोग पसंद करते? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे अच्छा सांसद आज तक हमने देखा ही नहीं। क्या कर रही हैं आप? जिनसे परिचित है उन्हीं को देंगे, जिनको नहीं जानते उनको कहाँ देंगे? क्यों कृपा शंकर जो यहीं के हैं? कहाँ, हम लोग जानते ही नहीं उनको, उनको जानते ही नहीं है। किसको जानते हैं? धनंजय सिंह को जानते हैं। धनंजय सिंह आप एक भाई साहब और इनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? अजय। अजय क्या काम करते हैं आप? विशद खाना करते हैं। अच्छा ऐसे ही जीवन यापन चलता है। क्या लगता है इस बार चुनाव में सपा भी अपना कैंडिडेट जारी कर दिया, भाजपा भी और बसपा भी, क्या लगता है? नहीं सांसद जी जो अब खड़े हो रहे हैं तो हम लोग उन्हीं को देंगे। कौन सांसद जी? धनंजय सिंह, उनको ही हम लोग शुरू से दिए हैं, निर्दलीय खड़े थे तो भी दिए और बसपा से खड़े थे तो भी दिए, इसके बाद हम लोग की तरफ से खड़े नहीं हुए तो हम लोग फिर उनके साइड सपोर्ट भी हम लोग किए थे। अब उनका जो इस बार वो हुआ है तो हम लोग खुद ही चयन हुआ है तो हम लोग खुद ही सोच रहे हैं कि उनको ही देंगे, उनके अलावा किसी को देंगे ही नहीं, चाहे कोई जीते या हारे उससे नहीं मतलब, लेकिन हम लोग देंगे उन्हीं को। उन्हीं को कौन? धनंजय सिंह को। तो किसी से भी निर्दलीय भी वो खड़े होते तो भी हम लोग उन्हीं को देंगे। क्या कह रहे हैं आप? कौन आता है जो आपकी जरूरत है? धनंजय रावत तो यहीं आवत। आपके यहाँ आते हैं? दादी आते हैं? हाँ आते हैं। ये बताइए दादा इस बार क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल कोई हो जीतेगी भाजपा। भाजपा क्यों? भाजपा क्यों? यहाँ तो सब अच्छा कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? देख लो इतने जब से बस कोई भी पार्टी चली है भाजपा में रह के ये देखो जमीन खाली करवाया, अम्बेडकर मूर्ति लगवा, आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो उसकी कहें कि दूसरे कहें? यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि अपने पार्टी को ही वोट देंगे बसपा को। ये तो कहेंगे ही कहेंगे, और क्या कहें दूसरे, जब इनको बोलने का कोई तजुर्बा नहीं मालूम तो क्या कहेंगे। तो विकास किस में है? विकास इसी में है, भाजपा में। भाजपा में तो भाजपा से कृपा शंकर सिंह बनाए गए हैं प्रत्याशी, क्या लगता है आपको? जो बनाए गए हो हम भाजपा ही थे, भाजपा ही हैं,
भाजपा में रहूंगा। भाजपा में ही रहूंगा। भाजपा में सबसे बढ़िया नेता आपको कौन अच्छा लगता है? रमेश विधायक के साथ, रमेश मिश्रा जी। हाँ जी, सबसे अच्छे लगते। सबसे अच्छे योगी जी कैसे लगते हैं? उन्हीं की तरह काम हुआ है, उन्हीं के चलते। रमेश विधायक के चलिए मूर्ति लगी, मैं मूर्ति भी नहीं लग पा रही। हाँ, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा में मदद मिली है? मिली है, मिलती है। चिया उनसे भी बातचीत करूँगा, भागना मत, रुके रहिएगा। क्या नाम है आपका? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हो रही है? बीए। तो आगे क्या विचार है बनना? आगे पढ़ाई के ऊपर है। तो आपको कुछ विचार होगा कि मम्मी पापा कहते हैं ये बनो वो बनो, क्या कुछ विचार है कि नहीं? कुछ डिसीजन नहीं लिए हैं अभी? नहीं लिए। तो इस बार आप लोग भी तो वोट देने जाएंगे, क्या लगता है वोट? अभी हम वोटर नहीं है। आप तो बीए कर रहे हैं, तो वोटर तो आपका बन गया होगा? नहीं, अभी नहीं बना है। अभी नहीं बना है। आपका क्या नाम है आप बताइए? भागी मत। आपका भाई साहब क्या नाम है? सुभाष। सुभाष जी, क्या लगता है इस बार चुनाव का? चुनाव में तो इस समय बीएसपी कह रहा है। बीएसपी जी। बीएसपी प्रत्याशी कौन बनाएगा, जानकारी है नहीं आपको? जी, श्री कला जीत जाएंगे नहीं? जी जीतेंगे। क्यों, कृपा शंकर सिंह को क्यों नहीं जिता रहे? हम लोग बीएसपी वाले ही हैं। बीएसपी वाले ही हैं। गांव की महिलाएं हैं, इनका पर्सनल विचार है। ये तो समय ही बताएगा 25 तारीख को वोट पड़ने के बाद कौन बनेगा जौनपुर का सांसद। फिलहाल ऐसे ही आप देखते रहिए आजाद यादव के साथ जनपद जौनपुर। जय हिंद।